सबसे पहले आपको बताएं कि युद्ध कैसे अलग फ्रंट पर जाता है, एक साल बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया था, वो भी ईरान के दम पर किया था। और तस्वीर देखिए आप, इजराइल में हाइफा में अटैक किया गया है, हिजबुल्ला ने ये रॉकेट्स दागे और पूरा इलाका आप देखिए ध्वस्त हो गया है। 5 रॉकेट्स दागे गए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये रॉकेट अटैक हाइफा इलाके में हुआ है इसराइल पर। और आपको बताएं, ये बिल्कुल करीब है, लेबनन के बिल्कुल करीब है, और ऐसे में 5 रॉकेट्स यहाँ बरसाए गए। 7 अक्टूबर को पिछली बार हमास ने हमला किया था और हिजबुल्ला अब वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अटैक्स जारी रहने वाले हैं लेबनन पर। जहाँ इसराइल एक्शन ले रहा है, वहीं हिजबुल्ला लगातार यहाँ पर अटैक करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम आखिर हाइफा में काम क्यों नहीं कर पाया? आयरन डोम की हम बात करते हैं, डेविस की हम बात करते हैं, एरो की बात करते हैं, जो तमाम डिफेंस सिस्टम है, वो आखिर हाइफा को क्यों नहीं बचा पाए? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इसराइल पर हमास हमले के 1 साल पूरे हुए, 1 साल होते ही फिर से इसराइल पर अटैक। तस्वीर हमने आपको दिखाई, हिजबुल्ला लड़ाकों ने फिर से हमला किया है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है क्योंकि अटैक हो गया, तबाही की तस्वीर आई है। हाइफा शहर पर हिजबुल्ला के रॉकेट्स बरसे हैं और 5 रॉकेट्स हैं जो हाइफा शहर पर गिरे। तस्वीर हमने आपको दिखाई जो अपने आप में बता रहे हैं कि नुकसान पहुंचा है। रॉकेट अटैक में एक इजरायली शख्स की मौत की भी खबर है। जी हाँ, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, एक और बड़ी खबर वॉर जोन से ही मिल रही है, जहां बताएं 2023 की घटना का वीडियो आईडीएफ ने जारी कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 की घटना का वीडियो जारी किया गया है। कहा गया है कि 1 साल बाद भी इजराइल के लोग उस भयावह मंजर को भूल नहीं पाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से जारी की गई है क्योंकि 1 साल उस घटना को हो गया है और किस तरह से उस वक्त खून बहाया गया था, बारूद बरसाया गया था, वो तस्वीर जारी कर दी गई है इसराइल की तरफ से, ये बताने के लिए कि वो जो नृशंस हमला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसका बदला लगातार 1 साल से लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा, ये बताने की कोशिश है इसराइल की तरफ से। एक बार आपको सुनवाते हैं किस तरह से इस वीडियो में आप महसूस करिए उस पल को जब ये सब कुछ हुआ था। तो एक झलक आपने देख ली क्या हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। और अब देखिए इजराइल, तब से 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था और 8 अक्टूबर से बारूद बरसने लगा था इजराइल की तरफ से, अभी भी बारूद बरसाया जा रहा है। ये बेरूत की तस्वीरें हैं, लेबनन की तस्वीरें, जो गवाह हैं कि एक्शन थमने नहीं वाला है इजराइल की तरफ से। साल भर हो गए लेकिन चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा है इसराइल। आपको याद है कैसे हिजबुल्ला के दो दो चीफ ढेर हो गए और अब जो तीसरा चीफ है वो बनने को कोई राजी नहीं हो रहा, क्योंकि डर इतना है, दहशत इतनी है इसराइल की कि इसराइल जहां भी दुश्मन होगा उसे खोजेगा और उसके बाद उसे ठिकाने लगा देगा, जहन्नुम पहुंचा देगा। ये होता आ रहा है 1 साल से और अभी भी इसी का डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा और वो गुस्से में आग का काम ईरान कर रहा है। आपको बताएं, इसराइल लगातार हिजबुल्ला को निशाना बना रहा है। आपको तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, बेरूत के जो दक्षिणी शहर है सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वही वो इलाके हैं जहां हिजबुल्ला के लड़ाके रहते हैं। इस इलाके में हिजबुल्ला के लड़ाके एक्टिव हैं, ऐसे में इन्हें चुन चुन कर पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, प्रिसीजन अटैक्स हो रहे हैं। इसराइली सेना ने इलाके को खाली करने की अपील की, जो आम रहवासी उनको ये डिस्क्लेमर दे दिया है कि इलाके को खाली करें, क्योंकि बेरूत के आसपास पहाड़ी इलाकों में भी अटैक किया गया। यहां पर भी जानकारी मिली थी कि ठिकाना बनाया हुआ था हिजबुल्ला ने, दाहिया के साथ माउंट लेबनन में एयर स्ट्राइक्स की गई है। एयर वॉरफेयर में मजबूत है इसराइल और उस अपनी रणनीति का फायदा उठाते हुए एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। एक घर पर देर रात एयर स्ट्राइक की गई जिसमें जानकारी मिली थी कि हिजबुल्ला कमांडर छिपा हुआ है और उसको ढेर करने में सफलता हासिल की गई है। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे तैयारी है। लेकिन आपको बताएं, ईरान अब छटपटा रहा है। ईरान को लग रहा है कि जो 181 रॉकेट्स बरसाए थे वो काफी नहीं थे और ऐसे में ईरान अपने ही अंदाज में वार्निंग दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए, ये जो हिब्रू भाषा में खामनेई का ट्वीट है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है और इस ट्वीट में धमकी है।
ईरान के लिए यहाँ पर ये मौका है कि 7 अक्टूबर है और ऐसे में साल भर बाद ये देखिए आपको दिखा रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसको याद दिलाते हुए खामनेई ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, उकसा दिया है फिर से इसराइल को गुस्सा दिला दिया है और बता दिया है कि अटैक करेंगे, उन्होंने बता दिया है। लेकिन आखिर हमले की वकालत फिर से क्यों कर रहे हैं खामनेई? क्यों उनको लग रहा है कि ऐसा करने से इसराइल को और गुस्सा नहीं आएगा, एक्शन और तेज नहीं होगा? ये ट्वीट क्यों करना पड़ा खामनेई को? चलिए जल्दी से अब आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। आतंकी हमले की वकालत सुप्रीम लीडर कर रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्वीट किया, हमने आपको दिखाया। खामनेई ने इसराइल की जो तकलीफ है, आज का जो दिन है वो तकलीफ का दिन है इसराइल के लिए, उसी तकलीफ पर नमक छिड़कते दिखाई दे रहे हैं खामनेई। हमास के हमले को उन्होंने जायज ठहराया, यानी आज से 1 साल पहले जो हुआ वो सही हुआ ये कहना था, हिब्रू भाषा में था, उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ की है खामनेई ने, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत हमास के आतंकियों ने नरसंहार शुरू कर दिया था इसराइल। खामनेई ने सोशल मीडिया पर जो हमने आपको पोस्ट दिखाया, हिब्रू भाषा जो कि इसराइल की भाषा है, यानी खामनेई ने इसराइल की ही भाषा में इसराइल को ही धमकी दी है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे ढकेल दिया। खामनेई इस पूरे हमले को, इस पूरे अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ था सब कुछ सही हुआ था। लेकिन आपको बताएं, मिसाइलें आखिर फेल क्यों हुई? हमास के आतंकियों ने आखिर क्या किया था वो 7 अक्टूबर जिस तारीख का जिक्र हम कर रहे हैं 1 साल पहले? चलिए आपको बता देते हुआ क्या था। इसराइल की सुरक्षा भेज दी गई थी, जी हाँ, इसराइल को सबसे एडवांस देश माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा भेज दी गई और जो आतंकी थे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने सुरक्षा भेज कर शिनबेत और मोसाद जैसी जो एजेंसियां हैं वो बेखबर बनी रही और अटैक हो गया। हमास ने इसराइल पर करीब 2000 रॉकेट दागे थे। आप सोचिए, ईरान 181 में खुश हो रहा है, 2000 रॉकेट दागे गए थे और कहा गया ये जो 2000 रॉकेट भी है ना ये ईरान ने ही दिए थे क्योंकि सारी सप्लाई यहीं से जाती है। ये हमला सुबह करीब 7 बजे हुआ था। रॉकेट हमले की आड़ में जमीनी हमला भी शुरू हो गया था। उस समय जो अटैक हुआ, किबुत्ज़ शहर में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उस फेस्टिवल के दौरान यह हमला होता है। आतंकी पैराशूट और बाइक्स के जरिए, जी हाँ बाइक्स के जरिए इसराइल में घुस जाते हैं, बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके घुस जाते हैं। हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी, 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था और बहुत खतरनाक तरीके से उतारा गया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों की इसे सबसे बड़ी नाकामी माना गया क्योंकि चाहे शिनबेत हो चाहे मोशाद हो, ये कहा जाता था कि ये एजेंसियां हर जानकारी रखती हैं, लेकिन उस हमले की जानकारी इन एजेंसियों को नहीं लगी। ऐसे में इतना बड़ा नुकसान इसराइल का हुआ।